फोर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखिएगा एक नंबर क्वेश्चन कॉपी करेंगे, यहाँ देखिएगा ये वाला ए नंबर, यहाँ देखिएगा ये जो है ए नंबर है, 2 × x − y = 3 और 5x + 8y = 14। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको देखिए हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी किए। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा 2 × x − y = 3 और ये 5x + 8y = 14, ये हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये लिखेंगे, ये इक्वेशन वन हुआ और ये इक्वेशन टू हुआ, ये इक्वेशन वन हुआ, ये इक्वेशन टू हुआ, तो लिखिएगा फ्रॉम, क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन वन, लिखे ऐसे लाइन दी है, ये वाला कॉपी करेंगे 2x − y = 3, ये लिखे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, इसको इससे करेंगे तो 2y होगा, इजिकल टू 3 हुआ, क्लियर है ये। अब ये करेंगे, ये 2x ऐसे लिखेंगे, ये वाला नंबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, 3 ये वाला वैसे कॉपी करेंगे, इधर जाएगा तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या होगा, +2y, और ये x यहीं रखेंगे और ये 3 + 2y = ये इसके नीचे जाएगा तो ये 2 होगा, याद है ये इक्वेशन 3 हुआ, ये क्या हुआ इक्वेशन 3। कंपैरिजन मेथड में बनाएंगे, इसमें कौन सा मेथड बनाएंगे, कंपैरिजन में बनाएंगे, यहाँ देखिएगा ये हुआ। अब नेक्स्ट करेंगे क्या है, क्या फ्रॉम, अब क्या फ्रॉम इक्वेशन टू, ये लिखे फ्रॉम इक्वेशन टू लिखे, ये वाला लिखेंगे 5x + 8y = 14, ये लिखे कंपैरिजन मेथड दिखा रहे हैं, तो ये फ्रॉम ए वालम सलाम फ्रॉम इक्वेशन टू लिखेंगे, यहाँ पे ये 5x + 8y = 14 है, आप क्या करेंगे, ये 5x है, ये इधर ये वाला नंबर को उस साइड भेजेंगे तो ये 14 हुआ, ये इधर जाएगा तो −8y होगा, ठीक है, ये x लिखेंगे, ये 5 इसके नीचे जाएगा तो ये 14 − 8y बाय नीचे क्या जाएगा, ये 5 होगा, ये हो गया इक्वेशन 4, क्या हो गया इक्वेशन 4, ये लिखे यहाँ तक क्लियर है। आप बोला जाता है कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा कंपैरिजन मेथड, इक्वेशन किस में लिखिएगा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 सलाम, ये हो गया ये वाला 3 और ये वाला 4 को कंपैरिजन करेंगे दोनों को, ये वाला लिखेंगे तो यहाँ देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, ये वाला नंबर लिखेंगे, ये लिखेंगे, बोलिएगा ये क्वेश्चन रहेगा 3 + 2y / 2 = क्या होगा, बोलिएगा 14 − 8y / 5, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस कोना को इससे, इस कोना को इससे, तो जब इस कोना को इससे करेंगे तो किसको करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ को इससे करेंगे, लिखेंगे 2, ये लिखेंगे 14 − 8y = इसको इससे करेंगे तो 5 × 3 + 2y खींचेंगे, नहीं होगा रुक जाओ, देखेंगे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन पहले कॉपी करेंगे, 2 × 14 − 8y = 5 × 3 + 2y, ये लिखे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 14 × 2 कितना होगा, ये है 28 − 8 × 16y, ये हुआ इजिकल टू, इसको इससे करेंगे तो 5 × 3 = 15, ये इसको इससे करेंगे 5 × 2 = 10y, ठीक है। ये वाला हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ को पहले लिख देंगे, क्या करेंगे, ये माइनस को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको भेजेंगे, तो यहाँ देखें ये −16y और ये वाला माइनस इधर जाएगा 10y, ठीक है, और ये वाला 15 रहेगा, ये वाला 28 उधर जाएगा तो −28, इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा 26y माइनस में 26y, और इसको इससे घटाएंगे, यहाँ इसको इससे घटेगा तो −13, तो ये देखिएगा ये y रहेगा, ये क्या करेंगे, ये −13 / ये −26, माइनस माइनस कट गया, 13 + 13 = 26, y = कितना आया 2, y = कितना आया 2, हो गया ये एक आंसर, ये पहला आंसर है, ये क्या आया, पहला आंसर आया,
दूसरा लाएंगे, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे नाव, एन ओ डब्ल्यू नाव, पुटिंग पी यू डबल टी आई एन जी पुटिंग, वाई इजिकल टू क्या है, टू है, वन बाय टू, क्या है, वन बाई टू, क्या आया है, वन बाई टू, वाई का वैल्यू क्या आया, वन बाई टू, वाई का वैल्यू है वन बाई टू, पुट करेंगे इन इक्वेशन थ्री में, इन इक्वेशन थ्री में, तो थ्री वाला यहाँ पे लिखेंगे एक्स इजिकल टू थ्री प्लस टू वाई बाई टू, ऐसे के ये लाइन दे देंगे, यहाँ देखिएगा, सिर्फ इसको दिखाइएगा, एक्स इजिकल टू ये थ्री प्लस टू इन टू वाई का वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो टू टू कट गया, नीचे क्या था टू, मतलब एक्स इजिकल टू टू थ्री, इधर से क्या बचा प्लस वन बाय नीचे टू, मतलब एक्स इजिकल टू तीन एक चार, चार बटा दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, मतलब एक्स का वैल्यू टू, यानी कि एक आया है वाई का वैल्यू वन बाई टू, एक्स का वैल्यू टू, ये हम लोग का आंसर है। पोएम का है।